डीजल सूंघती है और उसका नशा हो जाता है और नशे के अंदर इतने किलोमीटर जो है वो निकाल देती है। जो है वो अनाकोंडा, अनाकोंडा है? नहीं नहीं, ये कैटरपिलर है। चले करके आ गए थे BS4 यमुनानगर से। यमुनानगर से भाई साहब को 20,000 की पर्ची हाथ में दे करके भेजा दिल्ली पुलिस ने, ट्रैफिक वालों ने। जब डीजल इंजन कम्प्लीटली फेस्ड आउट होगा ना, मैं एक डीजल इंजन की फोटो ना अपने घर में टांगूंगा कि ये डीजल इंजन आया करते थे बाजार में। फोटो क्या, डीजल इंजन लटका देना वहां पे। दोस्तों आने वाली पीढ़ी है वो कुछ एक गाड़ियों के सेगमेंट के लिए तरसेगी, क्योंकि एक ऐसी जमात गाड़ियों की लुप्त होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, i20 लुप्त नहीं हो रही, लेकिन i20 डीजल के अंदर लुप्त हो रही है, ऑल्ट्रोज डीजल के अंदर लुप्त हो रही है। मतलब कि कह सकते हो कि जो छोटी हैचबैक वगैरह हैं या प्रीमियम हैचबैक वगैरह हैं वो डीजल के अंदर लुप्त होती जा रही हैं। तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार डीजल चलाने का मजा क्या था। अगर आपका अभी लेने का प्लान है तो ले सकते हो, क्योंकि अप्रैल के अंदर शायद ये सारी की सारी गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि भाई साहब ये डीजल जो है वो बिके और पोल्यूशन आगे बढ़े। हमारी तो BS4 डीजल में बड़ा मजा आता है। ये जो गाड़ी है ये सही टाइम के ऊपर ले ली वरुण भाई ने। वरुण भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो है वो मजे लूट रहे हैं, बहुत ही प्यारी एवरेज निकाल रहे हैं। आप बता रहे थे अभी तक जो है वो कह रहे थे कि MID ने इसको 35 जो है वो दिखाया है, और कहां पर गए थे आपने टैंक टू टैंक भी नापा था ना? टैंक टू टैंक भी मेजर किया। पहले तो मैं खुद सरप्राइज हो गया ये 35 क्या है, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, चलो एक बार टैंक टॉपअप करा के देख लूंगा। क्योंकि मैंने पहले टैंक टॉपअप कराया, फिर मैं चला, और मैं चल भी ऐसे रहा था कि मैं क्रूज पे चल रहा था 70 की स्पीड पे, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ टोल टू टोल ब्रेक हुई। उसके बाद जब मैं जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंच करके मैं पहले पेट्रोल पंप पे गया, फिर उसके बाद मैंने जब देखा 600 रुपये का तेल 225 किलोमीटर, मैंने कहा यार ये तो उतना ही है। बहुत प्यारी एवरेज जो है वो इसने निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये गाड़ी जो है वो डीजल सूंघती है और उसका नशा हो जाता है, और नशे के अंदर इतने किलोमीटर जो है वो निकाल देती है। एक बात बड़ी पक्की है कि इसका जो एरोडायनेमिक जो डिजाइन जो है ना वो बहुत ही प्यारा है, एक तरीके से चिपक करके चलती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर डेफिनेटली कुछ एक कमियां हैं जो कि भाई साहब बताएंगे, क्योंकि एक यूजर है, इनके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये डीजल के ऊपर कैसे चले गए, क्या इनको पता नहीं था कि गवर्नमेंट जो है वो आगे क्या नॉर्म्स वगैरह लेकर के आ रही है, और इतना जो है वो लो ग्राउंड वाली गाड़ी कैसे उठा ली, ठीक है। तो सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम पर चलते हुए। अंदर बैठने से पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर साइड जो है वो रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। तो बैठिए वरुण भाई। और वरुण भाई ने यहाँ पर, मैं आपको बात बताऊं तो, खर्च करे हैं 11,65,000, लेकिन इसके अंदर कोई भी ढील बरती नहीं जाएगी। अगर इस गाड़ी के अंदर नेगेटिव है तो वो आपको सारे के सारे हम लोग जो है बताएंगे। और साथ के साथ ये जो है हुंडई ने बेस्ट प्रोडक्ट दिया था बलिनो के खिलाफ, तो कैसा कितना क्या कुछ रिस्पॉन्स वगैरह जो है रहा इस गाड़ी का, ठीक है। हालांकि ये तो डीजल है तो इसका दिल और कनी अलग हो जाती है, तो बलिनों का तो हिसाब किताब बनता ही नहीं है। तो फिलहाल इस गाड़ी को चलाते हैं। वैसे वरुण भाई की एक बात बताऊं, आते ही मैंने पूछा था कि बड़ा नीचा करके चलाते हैं, बड़ा पीछा करके जो है ना, पीछे करके सीट को वो चलाते हैं, तो ये कह रहे थे कि भाई पूरी वरना वाली फील में लेता हूं इस गाड़ी के साथ में। तो हम तो भाई थोड़ा सा ऊपर करके चलाने वाले बंदे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि रोड के ऊपर घसीट रहे हैं। आपको बताता हूं कि इसका जो है वो कैबिन साउंड वगैरह कैसी है, ठीक है। डेफिनेटली आती तो है यार कैबिन के अंदर, ठीक है। एक डीजल का जो बिहेव होता है वो तो आएगी, उतनी साउंड तो है इसके अंदर। सनरूफ जो है वो गाड़ी के अंदर दिया गया है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, और मेरे जैसे का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को सनरूफ की आदत नहीं है ना भाई। वैसे आप ये बताओ कि पीछे कंफर्टेबल बैठे हो? पीछे मैं आज तीसरी बार बैठ रहा हूँ। अच्छा। और मैं अगर जो ये बात करूँ कि कंफर्ट की, हाँ बहुत ज्यादा है। ये देखो आपकी सीट आगे है, और मतलब कि आपने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया है। हाँ, और मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है। जगेंगी तो खैर कोई आपको कमी नहीं लगेगी, अगर आपके पीछे जो है वो अनाकोंडा, अनाकोंडा है? नहीं नहीं, ये कैटरपिलर है। मेरा साथी है, अगर जो कोई नहीं चलता तो चलो ये पीछे देख करके बताता है सब कुछ। अच्छा, पीछे की तरफ मुंह है इसका, इसका मैंने मुंह पीछे की तरफ कर रखा है। कि मुझे ये था कि चलो कोई साथ वो हो, ऐसे ना लगे कि मैं अकेला चल रहा हूँ। सिग्निफिकेंस इसका यही था कि चलो ठीक है, जैसे वो बच्चा होता है ना वो स्कूटर पे बैठता है, वो स्टेपनी की तरफ मुंह करके, वो हम बचपन में बैठते थे, तो ये एक तरह से ये मेरी बचपन की मेमोरी है। अच्छा, आप 100 की स्पीड के आसपास जब जब चलते हैं, ठीक है, तो 6 गियर में कितने RPM के आसपास होते हैं ये? 100 की स्पीड पे अगर जो मैं चलता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में होती है 1.5 to 1.7
वैसे तो मैं बहुत कम चलता हूँ, 1500 से लेकर के 1700 आरपीएम तक ही होता है। हाँ, छठे गियर में भाई एवरेज कैसे नहीं निकालेगी, निकालनी पड़ेगी इसको एवरेज। ठीक है, वो उसी वजह से एवरेज निकलती है। और मेरी जो डायनेमिक्स है, ड्राइविंग डायनेमिक्स जो आप बोलते हो, वो ये है कि मैं ज्यादा तेज चलता नहीं हूँ, 70 की स्पीड पे रहो, क्योंकि एक तो वो ओवर स्पीडिंग के लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले, और वो छोड़ते हैं नहीं। ट्रबल फ्री आप गाड़ी रख सकते हो और पीस ऑफ माइंड रहेगा। रखने देगी गवर्नमेंट तब ना। सर अभी तो BS4 पे टेम्परेरी बैन आया, अब देखेंगे जब BS6 पे आएगा, बट ये है कि डीजल इज डीजल, नो वन कैन एवर रिप्लेस डीजल। भाई साहब का एक दोस्त आया था, आगरा से आया था, कहाँ से आया था वो, BS4 लेकर के आ गए थे, BS4 यमुनानगर से। भाई साहब को 20,000 की पर्ची हाथ में दे करके भेजा दिल्ली पुलिस ने, ट्रैफिक वालों ने। तो अब आते हैं इसकी, सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी कमियों के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई क्या चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आई 11.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी। आप जो बताओगे वो हम मान लेंगे, क्योंकि आप ओनर हो और उम्मीद ये है कि आप सच्चाई बताओगे। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है इसकी सस्पेंशन। पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ है। हाँ। पॉटहोल आ गया या कोई गड्ढा आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, उस पर अगर जो आपने ब्रेक पे पैर नहीं रखा ढंग से, तो गाड़ी इतनी तेज झटका मारेगी कि, क्योंकि वो सस्पेंशन जो है वो एकदम रिलीज होती है इसमें। और दूसरी चीज है इसकी पेंट क्वालिटी इसकी ऐसी है, मैंने एक बार गाड़ी धोई और तेज प्रेशर मारा, तो ये जो बाहर ओवर वी एम है ड्राइवर साइड का, इसके यहाँ से पेंट चिप हो गया। क्या बात कर रहे हो। ओ भाई साहब, और ये देखो ये तो यहाँ पर भी है कि देख रहे हो। हाँ, ये यहाँ पे मेरा हाथ इधर ही रहता है गाड़ी चलाते हुए। हाँ। क्योंकि दूसरा हाथ तो मेरा आर्मरेस्ट पे टिका होगा। हाँ। या फिर क्या कहते हैं गियर पे होगा। भाई साहब इतना क्या रगड़ के चलते हो। मुझे, मैं वही तो सोचता हूँ कि अभी तो 7,500 किलोमीटर में ऐसे हो गया, तो लाख तक तो आप स्टेयरिंग खा जाओगे, स्टेयरिंग खा जाएगी ये। तो यार ये बात तो यार, हाँ, पेंट क्वालिटी का मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ, और 100% इसके सस्पेंशन का भी मानता हूँ। भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, वैसे एक बात बताऊँ, अच्छे खासे गाड़ियों के जानकार हैं ये भी और इनके फादर साहब भी, आपस में डिस्कशन पूरे दिन यही चलता रहता है कि क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी, क्या चीज। और ये इनका क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे को हुंडई से बढ़िया मतलब की क्वालिटी मारुति की लग रही है। आपने ये चीज बोला था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला। हाँ, हम लोग मतलब की जब बी रोल वगैरह ले रहे थे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज थी, क्योंकि लोग बाग अक्सर ऐसा करते हैं कि मारुति के बाद अपग्रेड करते हैं वो हुंडई वगैरह के अंदर करते हैं, तो ये चीज। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने पेंट वगैरह की बात करी तो मेरे को लगा कि हाँ। वैसे एक चीज बड़ी माननी पड़ेगी वरुण भाई, इसका जो AC का फ्लो है ना, एक पे भी काफी तेज है भाई, काफी तेज है। मैं इसको और कम करने की सोच रहा हूँ, ना सिर्फ तेज है, आवाज भी कर रहा है कि मतलब कि जैसे कि 2 के ऊपर, आम गाड़ियों के ऊपर 2 का फ्लो होता है, ये इसका 1 के ऊपर ही है। अच्छा, आपको सर्विस कॉस्ट क्या लगती होगी कि क्या चीज कितनी आएगी इसकी? इसकी मेरे को जहाँ तक मैंने चेक किया, अभी मैं एक ग्रुप में भी हूँ, Hyundai i20 जो ग्रुप है, तो मैंने उसमें भी पता किया, और बाकी वैसे भी मतलब कि जो वरना चलाते थे 1.5 उनसे भी पूछा, तो वो उन्होंने यही बोला कि 7,500-8,000 में। ऑब्वियसली वो 1.3 जो मल्टी जेट आता था उससे तो ज्यादा ही होगी, बट बाकी देखते हैं कि अब ये BS6 भी है, तो वैसे BS6 और BS4 में ड्राइविंग में अगर जो बोलो तो ड्राइविंग में डिफरेंस है, बट वैसे मेंटेनेंस में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक DPF ऐड हो गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मेरी 7,500 किलोमीटर चल गई है, अभी तक DPF की कोई लाइट आई नहीं है, रीजनरेशन के लिए अभी आया नहीं है कुछ। रोड से चिपकी हुई गाड़ियों को चलाने में मजा तो बड़ा आता है यार, ये चीज तो है, लेकिन जैसे कि ब्रेकर कुदा रहा हूँ ना, कहीं कहीं पर राक्षस ब्रेकर मिल जाते हैं, तो राक्षस ब्रेकर से बहुत घबराते हैं फिर वो लोग। आप नहीं घबराते हो क्या इस चीज से? सर एक थॉट हमेशा रहता है दिमाग में, क्या अगर जो आप नीची गाड़ी पहले भी देखो लोग लेते थे, कॉम्पैक्ट SUV आने से पहले लोग क्या सेडान ज्यादा प्रेफर करते थे, तो उसमें क्या होता था लोग लंबी करके निकाल लेते थे उसको बचाने के चक्कर में। पर ये है कि एक चीज इस पे सबसे बड़ी वो है कि ये तमीज का ड्राइवर बनाती है, जिसको भी बनाती है। नहीं तो वो फिर क्या, अगर जो आप बड़ी गाड़ी ले लोगे तो वो उतनी आसान होगी चलाने में, जितनी ज्यादा हाई राइज होगी, ग्राउंड क्लियरेंस होगी, तो उसमें क्या आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फिट एंड फिनिश का क्या कहना चाहोगे आप इस गाड़ी के साथ में? फिट एंड फिनिश सर सही है, अच्छी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इसमें क्या कहते हैं रैटलिंग नॉइज भी मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी तो बड़ी नई नई सी गाड़ी है ये अभी तो। हाँ। जो भी गाड़ी है मतलब। अच्छा ये बताओ कि आपका जो ग्रुप है, ठीक है, खुश है सारे इस गाड़ी से,
या कोई परेशान भी है कि भाई क्या इशू आते हैं इस गाड़ी के अंदर? अभी तक तो सर मैंने उसमें क्या कहते कोई ऐसा कोई इशू देखा नहीं है। बाकी उधर पेट्रोल वाले ज्यादा एवरेज करते हैं, डीजल वाले उतने शांत रहते हैं एवरेज को लेकर के। डीजल जा रहा है भाई लोग, पता नहीं जो बड़ी बड़ी जो SUVs आती हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगी। धीरे धीरे तब्दीलियां आएंगी एक दो साल के अंदर, वो भी मतलब कि ऐसे पेट्रोल इंजन लेकर के आएंगे जो कि 7-8-6 की एवरेज निकालेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब डीजल इंजन कम्प्लीटली फेस्ड आउट होगा ना, मैं एक डीजल इंजन की फोटो ना अपने घर में टांगूंगा कि ये डीजल इंजन आया करते थे बाजार फोटो में। क्या डीजल इंजन लटका देना वहाँ पे चेन से बांध के, थोड़ा सा फैंसी बढ़िया भी लगेगा, आजकल लटकाने वाला चलन भी है। 15 साल बाद जो पासिंग नहीं हो रही थी दिल्ली में, तो क्या किया आप अगर जो रूरल एरिया में चले जो, लोगों ने स्विफ्ट का जो डीजल इंजन आता था मल्टी जेट, उसका जनरेटर बना के अपना घर वो कर रहे हैं, है? वो हो रहा है। ओ भाई साहब, सीधा स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आपको अभी 11.5 लाख रुपए दे दें, ठीक है, दोबारा से इस गाड़ी के ऊपर जाओगे ईमानदारी के साथ में, या कौन सी गाड़ी लो? अगर जब बंद नहीं होगी तो फिर तो जाऊंगा। अगर बंद हो रही है ये गाड़ी, मतलब कि बंद मतलब कि अभी तो आ रही है, अप्रैल में बंद हो रही है, तो जाना पसंद करोगे? जबकि आपको पता है कि अप्रैल में बंद हो रही है। बिल्कुल जाना पसंद करूंगा। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक सबसे बड़ा फैक्टर कि ये इंजन तीनों चारों गाड़ियों में सेम है, ह्यूंडई की आप कोई भी ले लो, क्रेटा वरना वेन्यू या भी ले लो फॉर दैट मैटर, सेल्टोस या वो कैरन सोनेट, मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल सेट है कि क्या एक जो सोनेट और क्या कहते हैं वेन्यू के आगे एक वर्ड लगाओगे ना कॉम्पैक्ट, वो चीज नहीं चाहिए। अच्छा। इसके आगे जो है प्रीमियम हैचबैक, वो तो, और इसमें क्या कि बूट स्पेस है वो थोड़ा कम है, बट व्हील बेस जो है वो ज्यादा अच्छा है। अब बूट में सामान होना हो, अंदर तो बैठना ही है लोगों ने। सर एक नेगेटिव फैक्टर और है, क्या इसकी जो लाइट्स है ना वो है प्रोजेक्टर। अब मैं कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि क्या हम ज्यादातर सड़क पे येलो लाइट देखते हैं, तो वो प्रोजेक्टर लाइट जो है ना वो मतलब कि येलो लाइट से उसको काट नहीं पाती। अगर जब हमारे देश में बात करें तो वो सारे हाई बीम ड्राइवर्स होते हैं, सॉलिड वाले, डिपर भी मारोगे ना तो वो उस चीज को समझे ही नहीं है कि वो मेरे को भी नहीं पता परेशानी हो रही है आगे वाले को कि क्या है क्या, वो उल्टा 4 बार और मार देगा आपको मेरे को। चले यार, ओवरऑल जो है मेरे को ठीक लगी, अगर इसकी बात कुछ एक नेगेटिव को हटा देना तो वो चीज चलने में काफी मतलब कि डिसेंट है, सोबर चलती है, मतलब कि ठीक स्टेयरिंग जो है रिस्पॉन्स वो भी मेरे को सही लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और क्लच जो है वो भी काफ़ी लाइट है, गियर शिफ्ट वगैरह जो है वो भी सही है। इन्होंने जो नेगेटिव बताए वो आपके सामने बड़े ईमानदारी के साथ, इन्होंने जो पॉजिटिव बताए वो आपके सामने। और अगर आप भी ऐसे अपनी गाड़ी का जो है वो एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प होती है उनकी, तो डेफिनेटली हमें संपर्क कीजिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर जो दी गई है, सिर्फ अपना नाम नंबर और गाड़ी कौन सी आपकी और आपका स्थान कौन सा है, ठीक है, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। वेल थैंक यू सो मच वरुण भाई, आप आए अपनी गाड़ी के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपने बताया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लीजिए, और जरूर से जरूर डालिए अगर आपकी सेफ्टी रेटिंग कम है तो, ठीक है, और अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट तो बिल्कुल ही भूल करके जो है ना वो मत छोड़ना, जरूर डाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत, और इंस्टा पे तो जरूर फॉलो कर लो मेरे भाई, ठीक है, आजकल तो फेसबुक के ऊपर भी।